आवाज चेक कर लेना। पटेल जी, आज पटेल तिराहे पे हैं और अपर्णा की फोटो हाथ में लिए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या है फोटो के पीछे? ये सदर बीट सदर सीट नवाबगंज विधानसभा है, बाराबंकी जनपद का हार्ड है, लखनऊ के पास का जनपद है और ये पहली सीट है। मेरा कहना है अपर्णा यादव को लाओ, नवाबगंज सीट बचाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी जनपद की नवाबगंज विधानसभा सीट पर अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाया तो कुर्मी नेता आरसी पटेल कुर्मी समाज की कसम खाता है कि 50,000 वोटों से अपर्णा यादव को विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाने का काम कुर्मी नेता आरसी पटेल बाराबंकी से करेगा। अच्छा पटेल जी, 62 साल हो गए हैं आज तक के बीजेपी यहां से कभी नहीं जीत पाई है, चाहे मोदी लहर हो चाहे योगी लहर हो, आज तक बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। इस पे आप कैसे सपोर्ट करेंगे, किस तरह से अपर्णा को यहाँ बनाए? इसीलिए तो अपर्णा की चाहत है, मांगने की चाहत है, यहाँ पर प्रत्याशी चुनने में हमसे कुछ भूल हो गई है, नहीं तो यहाँ बाराबंकी जनपद में 6 की 6 सीटें होती, हमारी 5 सीटें बाराबंकी जनपद विधानसभा बाराबंकी भाजपा जीती थी, एक ही सीट शेष रह गई थी। मैं चाहता हूँ इस बार किसी प्रकार की कोई गलती दोहराई न जाए, इसीलिए कहता हूँ अपर्णा लाओ, नवाबगंज सीट बचाओ। बाराबंकी को ऐसे नेता नहीं जो इस सीट पे लड़े और जीते हैं बीजेपी से? ऐसा नहीं कि बाराबंकी में कोई नेता नहीं है, लेकिन अपर्णा जी अगर आती हैं तो मैं दावा करता हूँ कि 50,000 वोट से बाराबंकी जनपद से अपर्णा यादव को जीता कर विधानसभा भेजूंगा। साहब, बाराबंकी पब्लिक डिमांड कर रही है कि 62 साल से आज तक बीजेपी यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीत पाई है, 2022 का चुनाव आ गया है और मुलायम सिंह की जो बहू है वो बीजेपी से टिकट मांगी है, तो बाराबंकी के लोग चाह रहे हैं कि बाराबंकी से आके यहाँ लड़े, इस पे आपका क्या कहना है? बाराबंकी से क्यों लड़े? पार्टी की इच्छा हो सकती है और बीजेपी रही चुनाव जीतने की बात, तो चुनाव क्यों नहीं जीतेगी, चुनाव जीत जाएगी। और इतनी बड़ी नेता, इनका कोई क्षेत्र नहीं है। तो क्षेत्र के मतलब क्या होता है? क्षेत्र का तात्पर्य बिल्कुल सीधा है, जिसका जनाधार नहीं होता उसका कोई क्षेत्र नहीं होता। 2007 में बीएसपी यहाँ से लड़ी थी, वो 5 सीटें जीती थी। इसके बाद में 2012 में समाजवादी जीती, वहाँ 6 के 6। 2017 का इलेक्शन होता है और आप बीजेपी यहाँ से 5 सीट जीती है। 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं और बाराबंकी के मुखिया आप सांसद हैं आगे। एक सीट कसर रह जाती है कि समाज बीजेपी आज तक की यहाँ से 62 साल से एक भी सीट यहाँ से नहीं जीत पाती। लोगों का ये मांग है, जब से मुलायम सिंह की बहू बीजेपी ज्वाइन की है, लोगों का मांग है कि यहाँ के जो सीट है सदर से वो अपर्णा यादव है लड़े यहाँ से। इस पर आपका क्या कहना है? कार्यकर्ताओं का अपना अपना नज़रिया होता है, अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, पार्टी को देते हैं, अपने विचार भी कार्यकर्ता पार्टी को देते हैं और कार्यकर्ताओं के विचारों को पार्टी पूरी तौर से महत्व भी देती है, उन पर विचार भी संज्ञान लेती है और विचार पार्टी करती है। पार्टी पूरी 6 सीटें जिताने के लिए इस बार पूरे प्रयास में है और जो भी निर्णय आएगा पार्टी का वो पार्टी के भी हित में होगा, कार्यकर्ताओं के हित में होगा। अब तक की बात पहुंची है अपर्णा जी, अगर बाराबंकी से लड़ती हैं तो क्या समाजवादी बीजेपी को फायदा होगी या समाजवादी को एक झटका लगेगा? इन सब चीज़ों पर विचार करने के लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व है कि कौन बढ़िया लड़ सकता है, कौन बढ़िया लड़ेगा, कौन सीट को निकाल सकता है और प्रदेश नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है। निश्चित रूप से कोई बढ़िया कैंडिडेट ही प्रदेश नेतृत्व देगा, एक किसी नाम पर मुझे चर्चा करना उचित नहीं होगा। लगता है कसर रह गई है कि बीजेपी आज तक के कभी यहाँ से जीते नहीं है। वो तो है, स्वाभाविक है। बाराबंकी जिला पहले कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2017 में इस बात को यहाँ की जनता ने साबित किया कि नहीं, समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है बल्कि जो राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ में बाराबंकी की जनता है। लेकिन फिर भी एक सीट हमारी रह गई थी, इस बार उसको भी जीतने का पूरा प्रयास हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। चेहरा अगर अच्छा मिल जाए तो
अच्छी ऐसी सीट निकल सकती है, अच्छा ही चेहरा पार्टी लाएगी, कोई जो बढ़िया जो इस चुनाव लड़ सकेगा उसी को पार्टी लाएगी, और जिसको भी पार्टी लाएगी हम सब लोग मिलकर कार्यकर्ताओं की मांग पूरा रखा जाए। कार्यकर्ताओं की मांग की बात आपने कही, कार्यकर्ताओं के जो भी विचार हैं, सारे कार्यकर्ताओं की एक मांग नहीं होती, एक विचार नहीं होता है, किसी कार्यकर्ता का कुछ विचार होता है, कुछ मांग होती है, किसी कार्यकर्ता का कोई दूसरी मांग होती है, दूसरे विचार होते हैं, तो सबके विचारों का समावेश करके पार्टी फिर निर्णय लेती है और फिर जो है कैंडिडेट डिसाइड करती है। जो भी कैंडिडेट डिसाइड होगा वो पार्टी के हित में होगा और चुनाव जीतेगा। थैंक यू। लाओ नवाबगंज सीट बचाओ, अपर्णा यादव लाओ नवाबगंज सीट बचाओ, अपर्णा लाओ नवाबगंज सीट बचाओ, अपर्णा लाओ अपर्णा यादव लाओ नवाबगंज सीट बचाओ, अपर्णा यादव लाओ नवाबगंज सीट बचाओ, अपर्णा यादव लाओ नवाबगंज सीट बचाओ। आवाज चेक कर लेना।